पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ हमारे जनाब खिता के इंचार्ज और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान साहब हैं, मीडिया इंचार्ज और मीडिया कोऑर्डिनेटर कश्मीर बेग साहब हमारे साथ हैं, शोकत डेंग साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं। आप सबको आज यहां पे मधु करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर के जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पर जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स और सपोर्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है, जो लोग और पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के एक लार्जर काज के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, हम तहे दिल से उसका खैर मकदम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, और ख़ासकर मैं बात करूं कि साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी पुंछ की जो सीट है उस पर जो हमें पब्लिकली और बगैर पब्लिक कंजप्शन के जो सपोर्ट हमें एक्सटेंड हो रहा है, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान भी शामिल हैं, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस सीट पर यकतरफा कंटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हम अक्रॉस मुगल रोड, चाहे पीर पंचाल का खिता हो, चाहे साउथ कश्मीर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनसे वादा बंद है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी आवाज़ बनकर न सिर्फ इस मुल्क के ऐवान तक पहुंचेगी, बल्कि इस मुल्क का हर वो प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल होगा पार्टी को, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के आवाज़ को वहां तक पहुंचाएगी। मैं आपके ज़रिए फिर से जो 2 बाकी पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे वो श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर की हो या नॉर्थ कश्मीर हो, वहां पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्करान से अपील करूंगा कि ये वक्त डिवीजन का नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुफ्कार अलायंस की तश्कील करके एक यूनिटी की कोशिश की, और यकीन मानिए आखिरी वक्त तक भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कोशिश करती रहे कि ये यूनिटी जम्मू कश्मीर के काज के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बनी रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूनिटी कायम नहीं रह पाई। अगर यहाँ इस रियासत की पॉलिटिकल लीडरशिप यूनिटी कायम नहीं रख पाई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग पार्टी एफिलिएशन से उठकर साउथ कश्मीर से एक सबक लेकर इन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बार ये कोशिश की जाए कि कम से कम कश्मीर की जो आवाज़ है, कश्मीर की जो सफरिंग है, कश्मीर की जो पेन है, वो इस मुल्क के पार्लियामेंट तक पहुंचाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी से रिश्तों की बात करें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के रिश्ते शायद आप लोगों को मालूम है हमसे बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और उस वक्त से हैं जब इस मुल्क का पूरा मुसलमान जो है परेशान था। मैं खुद एज ए सहाफ़ी रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 9 MLA यहां की असेंबली में